शिवाय दोस्तों, चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं माँ गंगा के दर्शन करवाने हरि के द्वार हरिद्वार, जहाँ माँ गंगा गोमुख गंगोत्री से 253 किलोमीटर की यात्रा करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। हमने दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत 5 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से की। यात्रा की शुरुआत इतनी सुगम रही कि हम महज 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच गए। एक्सप्रेस वे बनने से कोई भी असुविधा नहीं हुई। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। माँ गंगा के दर्शन की अभिलाषा लिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हरिद्वार के नजदीक पहुंचते गए, दिल की धड़कनें और बढ़ती गईं। हरिद्वार के 1 किलोमीटर पहले ज्वालापुर से ही माँ गंगा के दर्शन होने लगे। उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। अंततः हम हरिद्वार में प्रवेश कर चुके थे। हर की पैड़ी के ठीक सामने की बनी पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क की और चल पड़े अपनी आत्मतृप्ति की ओर। और ये देखिए, नेत्रों को तृप्त करने वाली कल कल बहती हुई माँ गंगा की पवित्र लहरें। पहले तो हम कुछ समय माँ गंगा के उस रूप को निहारते रहे। श्रद्धालु वहाँ स्नान कर रहे थे। चारों तरफ हर हर गंगे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमने भी वहाँ स्नान किया। स्नान आदि से निवृत्त होकर हमने अपनी आगे की यात्रा की ओर रुख किया। अब हमारा लक्ष्य था मनसा देवी का मंदिर। हर की पौड़ी से प्राय पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए यों तो रोप वे ट्रॉली की सुविधा भी है, साथ ही साथ पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम है। चढ़ाई सामान्य है। सड़क से 187 सीढ़ियों के बाद लगभग 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। हमने अपनी यात्रा रोप वे अर्थात उड़न खटोले से की, जिसका किराया लगभग 121 रुपए प्रति व्यक्ति है। वहाँ की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा एवं हरिद्वार नगरी के एक साथ दर्शन से हमारे मन पर अनोखा ही प्रभाव पड़ा। ऊपर जाकर हमने मां मनसा देवी के दर्शन किए। पश्चात हम लोगों ने हरिद्वार में ही स्थित श्री योग अनुभव आश्रम खड़खड़ी भीमकोडा में रात्रि विश्राम किया। आश्रम में कमरे बहुत ही साफ सुथरे थे। वहीं पर घर के जैसे शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी थी। वहां रात्रि विश्राम करने के पश्चात अगले दिन प्रातः हम
वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। यात्रा बहुत अच्छी रही, केवल एक ही बात का खेद रहा कि जो माँ गंगा हम सबको पवित्र करती है, हम उसी को अपवित्र करने में लगे हुए हैं। शिव शंभू ने सबकी रक्षा के लिए, भलाई के लिए विष पिया, हम उन्हीं की नगरी को विष से भर रहे हैं। अपना गुस्सा प्रकृति समय समय पर विनाश करके हमें दिखाती है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अंत में इतना ही कहूँगी कि नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप को कर लेंगी। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे।